फर्स्टली वंस अगेन हम लोग वापस से एक खुशी को सेलिब्रेट करने आए हैं और बैक टू बैक बिकॉज आई एम शूटिंग सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग एंड लास्ट टाइम भी गुनाह के लिए आए थे फिर तस्वीर के लिए आए थे बट दिस टाइम इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हमारा गाना सेलिब्रेट किया एंड जितनी मेहनत से बनाया है उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस गाने को बनाने में स्पेशली बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरी सोल्जर विच आई से एंड मतलब जब हम लोग शूट कर रहे थे तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एंड बिकॉज क्योंकि मुंबई में रेड अलर्ट था और दैट टाइम वी वर शूटिंग एंड इंडोर आउटडोर शूट करना तो मेरी टीम आई एम फॉर्चुनेट एंड जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा गाने या फिल्म नहीं करता मैं हमेशा फैमिली बनाता हूँ तो चाहे आप लोग हैं चाहे सब हैं एंड एवरी प्रोजेक्ट आई डू आई ऑलवेज ट्राई टू मेक फैमिली तो अगर फैमिली बन जाती है तो एक टीम वर्क हो जाता है और अगर टीम वर्क हो जाता है तो काम जो होता है वो पिकनिक की तरह मुझे फील होता है तो ये गाना आ रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे पे एंड ऑलरेडी ऑडियो आ चुका है हमारा ओ वतना वे इतना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे मनन भाई ने इसको कंपोज किया है एंड बहुत प्यारे तरीके से गाया है हमारे सिंगर ने एंड आई विश के ये बहुत ज़्यादा चले यार क्योंकि क्या है कि एज एन एक्टर ना आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें या समथिंग मैंने एक ऐसे ही एपिसोड किया था Z5 का और फिर एक मैं दोस्ती के साइड इफेक्ट एक सपना चौधरी के साथ फिल्म की थी मैंने उसमें लास्ट में मैंने IPS का कैरेक्टर किया था तो आई मीन समथिंग मेरा एक डायलॉग था कि यार कभी हमें कुछ मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे देश के लिए तो ये कुछ मुझे मौका मिलता है एज एन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो अगर भाई साथ हो जाते हैं लोग साथ हो जाते हैं तो मैं बहुत खुश मतलब आई एम लाइक वेरी मच फॉर्चुनेट एंड लकी यू नो कि अगर मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे टीम ऐसी मिल जाती है क्योंकि लास्ट गाना गुनाह के साथ मैंने गुनाह गाना किया था भाई के साथ तो मुझे इनका एक्टिंग कैपेबिलिटी समझ में आ गई थी सो मुझे लगा कि यार ये गाना जो है उसमें जान तो सिर्फ यही डाल सकते हैं तो आई वी कोलैबोरेटेड एंड वर्क टुगेदर एंड रक्षिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है मुझे एक्चुअली बताता हूँ बिकॉज वेन आई शूट एज अ डायरेक्टर वेन आई गो ऑन द एडिटिंग टेबल आई गेट सो मच ऑफ गुड फुटेज यू नो उसमें से काट के मुझे 5 मिनट का 4.5 मिनट का गाना निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी सीन चाहे इमरान भाई ने किया हो चाहे रक्षिका ने किया हो चाहे मैंने एक छोटा सा सीन किया है वो किया हो तो उसमें हर एक चीज़ को निकाल के लेके आना और वो 4.5 मिनट में सब कुछ दिखाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और आपको आपके पास ऐसा होता है एक तरफ पिज़्ज़ा है एक तरफ बर्गर है हम क्या खाएं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट येस आई ट्राइड माई बेस्ट रेस्ट तो अब ऑडियंस बताएगी जी मैंने और भाई ने डिस्कस की थी बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम भोपाल एंड मेरे एल्डर ब्रदर भी हैं अभी ओमान में रहते हैं तो हम लोगों का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था रिगार्डिंग टू डू समथिंग पेट्रियाटिक एंड सॉन्ग और अ मूवी इंशाल्लाह विल बी डूइंग अनदर फिल्म ऑल्सो टुगेदर तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस की थी तो जो वन लाइनर था वो मुझे इमरान भाई ने बताया था कि कुछ ऐसा ऐसा वी कैन क्रिएट एंड देन आई सैट विद हिम आई वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट ऑन द स्क्रीन प्ले क्योंकि मैं डायरेक्शन के साथ राइटिंग में भी आ जाता हूँ इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो वो किया फिर हमारा मैंने सेम टू सेम नरेशन हमारे मनन भाई को मनु भाई को बताया हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको कंपोज़ किया तो फिर जब बोलते ना कि मैं चला अकेला और फिर धीरे धीरे कारवां छोड़ता गया तो वही होता है मेरे साथ में एंड यही है ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की और मेरे पेरेंट्स की जैसा आप लोगों ने देखा इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मच बहुत ऊपर है और इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क टू शूट दिस सॉन्ग स्पेशली जैसे जुबैर ने मैंशन करा कि बहुत हेवी रेंज थी हाई अलर्ट था इवन मैं अनफॉर्चुनेटली उस टाइम बीमार था तो आई वॉज जस्ट टेकिंग पेन किलर्स मेरी सारी टीम को पता है तो एक लिमिट होती है पेन किलर खाने की मुझे हाई फीवर था और मैं बस पेन किलर खाता था हर आधे घंटे बाद और शूट के लिए रेडी होता था और इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल इट वॉज अराउंड 16 आवर्स नॉन स्टॉप शूट वी स्टार्टेड इन आफ्टरनून सो वी स्टार्टेड अराउंड 1:30 और 2 PM एंड द फाइनल कॉल फ्रॉम जुबैर दैट रैप अप इज 5 AM जी जी अच्छा सवाल है बिल्कुल और बस ये जिसने मैंने कहा जुबैर एक इसके अंदर एक जादू है क्या मेहनत है मैं मतलब आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हमारा दिन भर डिस्कशन चलता है
बातें होती हैं, मेरे सजेशंस भी होते हैं, और मैं क्योंकि थोड़ा सा भाई हूँ तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके उससे बात कर लेता हूँ. हालांकि मेरा डायरेक्टर है एंड आई रिस्पेक्ट हिम टू मच, लव यू. तो हम लोगों के बहुत डिस्कशंस हुए और बैक टू बैक हम लोग इसी प्रोजेक्ट में थे. मेरे पास और भी काम अभी बैक एंड पे हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिन से हमने सब कुछ स्टॉप करके रखा हुआ है. और इट वॉज लाइक अवर ड्रीम प्रोजेक्ट. आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल माई कॉलीग्स, स्पेशली जुबेर इज देयर. अपार्ट फ्रॉम देयर, रक्षिका डिड अ वेरी गुड जॉब एंड शी वॉज फैंटास्टिक, आई मस्ट से. ऑल्सो माई क्रिएटिव हेड, My creative director, creative director Prachi. She was all time involved. जैसे मैंने कहा बहुत heavy song था, बारिश हो रही थी, बीमार थे और बहुत लंबा sequence था, but the energy she was showing was ultimate. और मेरी जो मदर का रोल करा, she was like now इन्होंने सही में मुझे बेटा बना लिया. She said जब भी मुंबई आओ तो कहीं नहीं जाना, यही घर है तुम्हारा. और जो मेरे बॉस बने थे, he also did, and और कास्ट है जो अभी स्टेज पे नहीं है. सो आई मस्ट रियली अप्रिशिएट एवरी वन फॉर देयर नाइस एफर्ट्स एंड सिंसियर एफर्ट्स. थैंक यू. फर्स्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज एज अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, एज एन आर्टिस्ट, इट इज़ अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ सच प्लेसेज. एंड आई हैव ऑलवेज लव द इंडियन आर्मी, और ऐसे गाने का अगर मैं पार्ट बनी हूँ तो इट इज़ रियली ग्रेटफुल टू मी. हमने आई मेट हिम, वी हैड आई मेट जुबेर फॉर द सॉन्ग. उन्होंने बताया था ऐसे ये सारा प्रोजेक्ट है एंड दिस इज़ योर रोल. आई वॉज लाइक आई विल बी रियली हैप्पी टू परफॉर्म. उन्होंने कहा पूरा इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. आई एम लाइक ग्रेट. एंड जब ये शूट होने वाला था उसके एक दिन पहले आई हैड दिस आई इशू. Yeah. So I on the workshop. I always do workshop one day before, right? So right. Continue. So I went to the workshop. मैंने इनको फोन किया, मेरी आँख गई. कहते नहीं 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 तू आ तू आ तू आ. I'm like ठीक है. मैं वहाँ पे पहुँची एंड मेरी आँख उन्होंने देखी थोड़ी देर, कह रही चल जाएगा रिहर्सल कर. दो मिनट बाद वो ऐसे घूर के ऐसे देख रहे कि ये कैसे चलेगा. And I must tell you one thing about रक्षिका. I must tell you one thing about रक्षिका के when she was there workshop के time पे, she was you know was ready to back out from the song. And she told me this thing, yeah, तुम किसी और को कास्ट कर लो, मेरी आँख में इशू है, something like that. I thought like that, and the first time from any actor who is ready to leave the song because of that, and she's thinking about the song. तब तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें ही लूँगा. ठीक है, नहीं हम कुछ भी करेंगे, I'll shoot like this. Yeah. बिकॉज मेरी आँख इतनी रेड और सोलन हो गई थी. इट वॉज इन हॉरिबल स्टेज. जो उसमें उन्होंने कट्स डाले ना, उसके अंदर थोड़ा मैनेज हो रहा है विद द ड्रॉप्स एंड एवरी. इट वॉज इन अ हॉरिबल स्टेट. तो मैं उनको देख रही थी, सब डर रहे थे मुझे देख के, कम्प्लीटली रेड हो गई थी. तो विद आई ड्रॉप्स उसको वाइट कर करके एडिट करके शूट करा. तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे रिप्लेस कर दो. कह रहे नहीं, तेरा हाथ जाए, आँख जाए, कुछ जाए, करना तो नहीं है, इट्स माई कमिटमेंट टू यू. मैन ऑफ वर्ड्स. मैंने कहा अगर इतना कमिटमेंट है, दे सो मच ऑफ हार्ट इन द सॉन्ग, देन इट इज द बेस्ट प्लेस आई एम वर्किंग एंड आई एम ग्लैड. दैट इज व्हाई एम ग्लैड टू बी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, especially Zubair, our actors, co-actors, everyone. Wish you a very happy Independence Day in advance to all of you. ये जो song है, this is something else. मुझे जैसे एक normal call आया था कि there is a patriotic song. मैंने बोला okay ठीक है. Then one of my friend Shahzad, Shahzad का call आया था and he said कि अगर तुम्हारी dates free है, तुम free हो, because बैक टू बैक मैं शूट पे ही बिजी थी. आई वॉज नॉट इन मुंबई दैट टाइम. तो देन मैं गई जुबैर से मिलने के लिए और देन इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसा ऐसा रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी और ऐसा ऐसे फ्लो में इस ट्रीटमेंट के साथ विल शूट लाइक दिस. जब हम लोग लोकेशन पे पहुँचे तब तक तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हाँ आराम से पहुँच गए हैं, चीज़ें हो रही हैं. बट सरप्राइज ये था कि इतना हैवी रेनफॉल लाइक लिटरली कीचड़ में पैर थे मेरे सबके. इनफैक्ट राइट, यू रिमेंबर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्जैक्टली. इतना रेनफॉल कि कीचड़ में पैर थे हमारे और हम उस सिचुएशन में शूट कर रहे थे और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी वो. बट फाइनली आउटकम आप सब लोगों ने देखा है एंड दैट इज़ फैब. ये सिर्फ एक किसी का एफर्ट नहीं होता है, ये पूरी टीम का एफर्ट होता है. स्पेशली द कैप्टन ऑफ शिप जो होता है, ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कि वो सिचुएशन को देखते हुए, वो सिचुएशन को मैनेज करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाए स्मूथली और इस तरह का आउटपुट दे. दैट इज़ अ ग्रेट.
सो थैंक यू सो मच फॉर आवर डायरेक्टर स्पेशली जुबैर सर एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड सारे क्रू को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ईच एंड एवरीवन हु वाज देयर विद अस सो थैंक यू सो मच. मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी डिफिकल्टी हो सकती है हमें शूटिंग करने में वो उसी दिन थी. ट्रैफिक वॉज देयर, 3 hours लेट, नो कैब वॉज देयर, नो ट्रेन वॉक्स वर्किंग, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश. मतलब एंड आई हैड द ऑप्शन टू कैंसिल द शूट, बट मेरे प्रोडक्शन में है एक राजन दादा, ही इज़ ऑल्सो बैकबोन ऑफ ज़ार. तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार ऑलरेडी 9 बजे का कॉल टाइम है और इट्स ऑलरेडी 12 o'clock. यू नो आई लेफ्ट होम अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई कुड नॉट रीच अराउंड 9 o'clock, दैट्स इम्पॉसिबल. तो लाइक ओके वट शुड वी डू, इसे सर मैं बात करता हूँ, लेट्स डू इट. तो मैंने कहा यू श्योर लेट्स डू इट. मैंने कहा फिर अगर ही हैज़ गिवन मी ऑप्शन शैल आई कैंसिल द शूट. अब मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भाई को भी वापस जाना था नेक्स्ट डे, एंड दैट वॉज वेरी अन वट आई वॉज नॉट हैप्पी यू नो इफ आई वुड हैव कैंसल्ड. बट मैंने कॉल लिया और मैंने बोला कि ऊपर वाले का नाम लेते हैं क्योंकि अब तो क्योंकि गाना इतना पेट्रियाटिक है और देश के लिए कुछ करने का मौका है. तो मैंने कहा यार ऊपर वाला 100% साथ देगा, चाहे बारिश हो नहीं हो, आई विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट. बिकॉज आई डिड रेकी बिफोर, रेकी के टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं था, बारिश नहीं थी, बट उस दिन हो गई थी. तो मैंने कहा ओके लेट्स गो इट, एंड अगर हाथ डाला है तो करके ही निकलेंगे. और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि सब लोग पहुंच गए थे, एक्टर्स एक भी नहीं था सेट पे, सब लोग पहुंच गए थे. मी आई गेस मैम की गाड़ी कुछ गड्ढे-वड्ढे में गिर गई थी एंड दे वर एब्सोल्युटली वेरी लेट. वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था एक्चुअली. इन लोगों का गाड़ी का कुछ हो गया था राइट, तो ये बहुत लेट पहुंचे थे और इतना मतलब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी चीजें. बढ़िया वी डिड, वी आर ब्लेस्ड एंड फॉर्चूनेट वी डिड इट. इफ आई से बजट भी बढ़ जाएगा सर ना. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बजट भी बढ़ता है, वो भी हार्ट पे आता है. दैट्स जी ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक एल्बम, दूसरा एल्बम, तीसरा एल्बम, बैक टू बैक आ रहा है एल्बम, जी क्या है मतलब पैशन है कि लोन बैंक से ज्यादा? नहीं मैंने तो घर लिया हुआ था, अभी घर का भी चल रहा है. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट सी आई एम वेरी मूडी नाउ डेज एंड बिकॉज मैं ऑलरेडी फिल्म्स कर चुका हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ. तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी इन स्पाइट ऑफ सिटिंग एट होम एंड डूइंग टीवी ऑल्सो, आई प्रेफर के वॉट एवर मेक्स मी हैप्पी आई शुड डू इट. एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज जो भी मैंने डायरेक्शन में हाथ डालने के बाद मैं एज अ डायरेक्टर आई गॉट द रिस्पॉन्स एंड तो दैट्स द थिंग विच हैज़ किक्ड मी आउट कि यार लेट्स डू दिस थिंग ऑल्सो. बिकॉज यू नो वॉट as a director, as an actor on set, that's the most difficult part, which I admit, but that's the thing which makes me super happy. Because मुझे एक पल के लिए भी time नहीं मिलता है कि मैं घर जाऊँ या मैं because I sit with my editor also, you know, edit पे. तो मुझे I want to keep myself as much as busy I can, so which I am trying. And क्योंकि मैंने last interview में बताया था I lost my dad 6 to 7 months before and he was my best friend. तो मुझे ना अब थोड़ा थोड़ा उनसे connection feel होता है by my work. So I try to give like this and मैं कोशिश यही करूँगा कि चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे रक्षाबंधन आ रहा है वो हो, इंडिपेंडेंस डे, एवरी फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल सेलिब्रेट विद द सॉन्ग. दैट इज माय गोल एंड फोकस. जी धड़के दिल बार बार राजीव वालिया की फिल्म है. इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग एंटिगनिस्ट इन द फिल्म एंड जिसमें समीक्षा भटनागर हैं, अर्पित नागर हैं, एरिका विलियम्स हैं और बहुत बड़ी स्केल पर फिल्म शूट है. जॉनी लाल थे DOP जो गुजर गए हैं, उन्होंने शूट की थी फिल्म. सो आई शॉट द होल फिल्म बिफोर पेंडेमिक एंड नाउ इट्स गेटिंग रिलीज इन थिएटर्स. तो टाइम्स हैज़ टेकन द फिल्म, टाइम्स क्लासिक पे उसके ट्रेलर भी आ रहे हैं. तो आई एम फॉर्चुनेट ये शायद इस मंथ के लास्ट वीक में या जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा इट इज़ कमिंग इन थिएटर्स. तो ये है और नया आए जस्टिस Z5 पे आ रही है, एक है प्यार के काबिल वो हॉटस्टार पे आ रही है. सो उसके अलावा 3 और फिल्म्स हैं, मोटल है, फेटल है, डैम ग्रेवयार्ड है. तो फिल्म्स तो आ ही रही हैं. तो आई फील लाइक एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, व्हाट मोर आई कैन डू, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. या ये तो बस कश्ती निकल गई है और एक धुन सवाल हो गई है मुझे. तो मैं इनको जी जी मैं प्यार में कुर्बान जो एक फिल्म है जो ऑलरेडी इसका टीज़र आउट हुआ था, हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका एक और स्केड्यूल बाकी है एंड एक स्केड्यूल उसका हो चुका है हम लोगों का. इट्स अ हैवी एक्शन सीक्वेंस तो इट इज़ टेकिंग टाइम बट डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उसको फिनिश कर दूंगा और इसी साल कोशिश करूंगा कि रिलीज पे लेके आऊँ. जी
रशिका, आपकी कुछ पाइपलाइन फिल्में या देर आर अ फ्यू फिल्म्स बट काफ़ी गाने अभी मैंने शूट करें दैट इज़ इन माई पाइपलाइन दे आर कंटिन्यूसली गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम दिस मंथ अभी तीन दिन बाद एक और गाना एक और रिलीज हो रहा है मेरा सो दे आर फ्यू इन पाइपलाइंस लास्ट सॉन्ग ऑफ योर्स गॉट टू मच मिलियन ऑफ व्यूज या दैट वाज 35 मिलियन दैट वाज वीडियो कॉल इट वाज अ पंजाबी सॉन्ग उन्हीं का आई एम डूइंग अनदर सॉन्ग जो अभी रिलीज होने वाला है जल्दी इस जवाब आमिर सर अभी कुछ सरप्राइज देने वाले थे आपने कहा कि हाँ हमारी और भी आ रही है जी जी अंडर डिस्कशन है और जो भी होगा क्योंकि जुबैर के साथ मेरा कोलैबोरेशन है अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी चीज़ें हैं इमोशंस हैं और जो लास्ट सीन था जिसमें जुबैर को गोली लगी आई वाज रियली क्राइंग यू कैन आस्क एनी क्राइंग एवरीवन यूजिंग आई ड्रॉप्स टू शो देयर ट्रैप बट आई वाज द ओनली वन आई वाज एक्चुअली क्राइंग सीइंग हिम डाइंग हालांकि वो एक्टिंग थी बट आई कुड फील दैट मेरा भाई है तकलीफ में तो सब हैरान थे कि ऐसा कोई सचमुच कैसे हो सकता जुबैर ने एक बात कही कि इसको धुन है तो एक चीज़ें बताना भूल गया वो मैं मेंशन करता हूँ ऐसी इसको धोने के ये कुछ खा भी नहीं रहा था डिनर के टाइम में शायद दो या तीन बार गया जुबैर कुछ तो खा लो बट ही वॉज समवेयर इस दुनिया में नहीं था ये माइंड इसका प्रेजेंट और जब इसने अपने शूज़ निकाले थे आफ्टर द वो आप बताना भूल गए तो मैं मेंशन करता हूँ सो इसके जो बताएं आप ही बताएं। नहीं मैंने स्टोरी डाली थी आप बताएं तो इसके फूट के जो कंडीशन थी कोई भी देख के घबरा जाता कि या तो इसको किसी ने थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया हुआ है या इसने माउंट एवरेस्ट पूरा एक ही दिन में क्लाइम करा हुआ इसके जो हालत थे पैर के जो जूते निकालने के बाद वो इट वॉज मिजरेबल तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई इसको एक बहुत ज़्यादा धुन है और यही चीज़ है जो इसको जैसे बता रहा है कि खुदा भी साथ हो जाता है हर चीज़ खिलाफ थी गाड़ी पंचर हुई गाड़ी एक्सीडेंट हुई एक्टर बीमार था बारिश थी हाई अलर्ट था बट प्रोडक्ट आपके सामने जुबैर जी एक शॉट के लिए आप आए जैसे दत्ता जी ने कहा कि एक्टर जो होता है हंग्री होता है भूखा होता है जी देखिए पहले तो व्हेन आई वाज सुपर ऑक्यूपाइड व्हाइल डायरेक्टिंग क्योंकि फिर इमरान भाई का भी कंसर्न था यार कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे मैंने कहा यार सी दैट्स द स्टोरी हैज़ ऑलरेडी रिलीज इन डायरेक्टर्स माइंड तो मुझे बहुत क्लियर था बट आई वाज नॉट टेकिंग द कमांड एज एन एक्टर क्योंकि क्या होता है कि जब मैं वेन एवर आई वेयर क्लोथ्स आई ट्राई टू वेयर द कैरेक्टर ये मैं खुलासा कर रहा हूँ तो तब तक मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे एंड आई वाज अवॉइडिंग टू वेयर दिस जो सी विच इज़ प्रिविलेज टू मी दैट आई एम स्टिल वेयरिंग इट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मैं सोचता हूँ बट फिर मैंने जब ये कपड़े पहने देन आई गॉट दैट फील एंड बिकॉज क्या होता है जब आप आई ऑलवेज बिलीव इन एक्शन रिएक्शन एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट दैट एंड बिकॉज हमने एक दिन वर्कशॉप भी की थी इस गाने की जैसे मैं हर गाने में मोस्टली कर रहा हूँ तो भाई के इमोशन बहुत स्ट्रांग थे मेरे लिए उस वक्त एंड मेरे लिए जब मैं ऑलरेडी ऑन कैमरा गया एंड प्राची सेड एक्शन देन वो मेरा एक्शन रिएक्शन था एंड उसके अलावा मैं आई ऑलवेज ट्राई कि यार कुछ ऐसा करूं कि बिकॉज एज एन एक्टर आई एम एन एक्टर फर्स्ट राइट देन अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड वट एवर बट तो उसलिए इस एक्टर की जो भूख है ना जो पलाश टोल्ड मी दिस थिंग अभी बैक ऑफ कैमरा दैट वन सीन यू डिड एंड एज द बेस्टेस्ट सीन अभी तक हम दोनों के बीच का सो आई एम वेरी ग्लैड एंड honored and happy that it worked सी ऑडियो तो अभी तक रिलीज़ हो चुका है एंड सी वी आर प्लानिंग के दैट्स द रीज़न कि हम लोग ने 12th को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी बिकॉज 3 days वी गॉट टू प्रमोट द होल सॉन्ग ऑल्सो एंड आई ट्राई के अभी इमरान भाई वॉज टेलिंग मी इन हिज होम टाउन भोपाल में ही इज़ गोइंग इन वन बिग इवेंट ऑल्सो एंड देर आई एम द चीफ गेस्ट ओवर देयर भोपाल का जो सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी ऑफ जिम फिटनेस हेडक्वार्टर्स दे आर कंडक्टिंग वन प्रोग्राम ऑन 15th August विद द कोलेबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ऑफिस सो दे इन्वाइटेड मी एज अ चीफ गेस्ट आई विल बी होस्टिंग द फ्लैग तो ये गाना वहाँ प्ले होगा दिखाया जाएगा इवन जो मेरा दूसरा घर है ओमान मस्कट तो वहाँ पे भी जितने ब्लॉगर्स ग्रुप हैं ऑलरेडी उन्होंने रील्स बनाना आज शुरू कर दिए मैंने जुबैर से शेयर करा सो इंडिया और इंडिया के बाहर ऑलरेडी प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है
first day itself. Because see, it's a patriotic song, and every film, whatever we see, even recently, I've seen, because I'm Shahrukh's fan, Shahrukh's fan, and Pathaan mein bhi ek instant hai, and every actor is, it's a privilege to do something for nation, and main ye mauka to kabhi chhodne wala hu nahi, to isliye mujhe bahut zyada khushi hai ki is gaane ka main part bana, to isliye maine kaha ek scene hai to I'll do it, but at least it will get promoted and it's for nation. ये गाना देख के, इनकी मेहनत देख के, तो मैं खुद ही बहुत हैरान हो गई थी. इतनी मेहनत की इन्होंने कि मैं बोल नहीं सकती. सब लोगों ने उस दिन बारिश इतनी थी जी. और पूरी रात जाग के इनका चल रहा था. मैं तो आराम से बैठ गई थी, सो रही थी, लेकिन इनकी आवाजें आ रही थी. बहुत मेहनत की इन्होंने. सर आप बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर किया आपने सरदार जी का. जी धन्यवाद. आज मुझे, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि रियल में सोल्जर लग रहे थे देश के लिए. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किरदार मिला था मेरे लिए, और हमारी पूरी टीम ने दिल से निभाया. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गर्व मेरे पूरे हिंदुस्तान में, वतन में, और पहले तो यहाँ, और सब आपका प्रेम है, दुआएं हैं, और बहुत बड़ा मौका था. अभी और भी मौके आएंगे, ऐसे ही हम देश की सेवा करते रहेंगे और अपने पूरे वतन को आगे तक लेके जाएंगे. You know, this song, I want to tell everyone that this song has one thing, which is unity is diversity, which I have heard. And you know what, ye mera mote bahut zyada tha, because all those things which is happening in nation, because of caste, religion, anything which is spoiling the unity of every individual and every Indian, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कि ये चीज़ मैं सबको दिखाऊं कि वी आर ह्यूमन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट, एंड देन ओनली एवरी वन इज़ इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर ओन रिलीजन. ये चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि इंडिया जो है एक नेशन है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम सभी लोग एक ही खून से बने हैं और एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं. दैट्स व्हाट आई ट्राइड. एंड यही चीज़ हम लोगों के बीच में, इमरान भाई और मेरे बीच में बहुत डिस्कस हुआ था कि हुम टू कास्ट एंड व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू टेक एंड इनबिल्ट इन द सॉन्ग, यू नो. तो दिस इज़ द बेसिक मोटिव मेरा, कि जो हमारा लैक हो रहा था, कि यूनिटी वी हैव टू शो दैट इंडिया इज वन फॉर एवरी वन. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज आदित्य कुबेरे, एंड यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस. बस ये बोलना चाहूँगा कि ओ वतना वे जो टाइटल है, मतलब बहुत ही टचिंग टाइटल है इसका. मतलब अगर वो कोई अगर देखेगा तो टाइटल से ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब वो गाना देखेगा तो इतने ब्यूटीफुली शूट किया है, और जो टीम ने मेहनत की है. ज़ुबेर को तो मैं जानता ही हूँ, मतलब ही इज़ वेरी टैलेंटेड. रक्षिका को भी, शी इज़ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो आई वर्क, हम लोग ने गाना भी किए थे जी पे, तो अजनबी एक गाना था, दैट वाज आल्सो अ नाइस सॉन्ग वी शॉट इन नासिक. तो आई नो शी इज़ वेरी गुड. एंड बस गाना देखने के बाद मुझे एक ही चीज़, एक ही शायरी याद आई है, मत पूछ ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी बस यही पहचान है कि हम एक हिंदुस्तानी. तो थैंक यू. सो यस, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट सॉन्ग, और आई एम श्योर ये एक सही टाइम पे आ रहा है, और पेंडेमिक के बाद में ऐसे मोटिवेशनल गाने की बहुत ज़रूरत है हम सभी लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग हार चुके हैं पेंडेमिक के वजह से. तो आई थिंक अभी देश को ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है. तो आई थिंक यस, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम, एंड ये गाना वायरल हो और सभी लोगों तक पहुँचे, और काफ़ी लोग रील्स बनाए और स्प्रेड करें. आप बनाएंगे? आप बनाएंगे? डेफिनेटली बनाऊंगा. नमस्कार, मेरा नाम है पलाश दत्ता. पहली बात, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और ज़ुबैर, ये क्या हो क्या रहे जी, मतलब क्या हो क्या रहे, बैक टू बैक
इतने सारे रिलीजेस इन द लास्ट टू मंथ्स, आई थिंक दिस इज माई फिफ्थ ओकेजन आई एम कमिंग, और हर एक इवेंट, हर एक म्यूजिक वीडियो इज विद अ सोशल मैसेज विच इज़ वेरी कमेंडेबल. और ओ वेतना वे जो है ये एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे के लिए है, और इससे बढ़िया आई थिंक और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सिनेमा के माध्यम के थ्रू, म्यूजिक वीडियो के थ्रू आप एक स्टोरी पे रोते हो और वो स्टोरी आपके दिल तक छूता है और वो एक मैसेज कन्वे करता है. इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है. एंड मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुबैर क्यों नहीं है, बट इमरान डिड अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज फ्रॉम अ कास्टिंग परस्पेक्टिव, आई मीन ऑफकोर्स ही वॉज देयर इन हिज प्रीवियस एल्बम, उसने बढ़िया काम किया था, बट इसमें जो आर्मी ऑफिसर का काम किया है, ही प्लेड इट सो ऑनेस्टली वेल, सो ऑनेस्टली वेल. वाकई में लग रहा था कि बंदा आर्मी ऑफिसर है और अपने देश के लिए कुर्बान कर रहा है और वतन के लिए कुर्बान कर रहा है. बीवी यू ऑल्सो डिड अ फैबुलस जॉब. द इमोशंस, अगर वो कह रही थी कि आंखों में इन्फेक्शन था, आई थिंक वो वाकई में काम कर गया इस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो के लिए, क्योंकि वो आंखें नम थी और वो नमी जो है आंखों में वो बिल्कुल यू नो प्रोजेक्ट हो रहा था कैमरा पे. सो एंड जुबैर जो एक सीन था वो इतना इम्पैक्टफुल था, आई वॉज एक्चुअली मिसिंग मॉन्स की मतलब अभी आएगा शायद जुबैर, अभी आएगा जुबैर, एंड सडनली ही कम्स एंड ही फॉल्स डेड ऑन स्क्रीन विद दैट बुलेट शॉट, एंड इट वॉज सो इम्पैक्टफुल, सो इम्पैक्टफुल. और आई थिंक जैसे सुभाष जी हर एक फिल्म में अपना एक छाप छोड़ जाते हैं, सुभाष घाई जी, वैसे जुबैर आई एम श्योर भूखा है, हंग्री है टू कम एंड अपियर इन एवरी फ्रेम, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर हिमसेल्फ. और जुबैर आई विश दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, स्पेशली इट्स अ सॉन्ग फॉर यूनिटी, एज यू राइटली सेड, वन नेशन एंड वन यू नो one common unity against amongst people, which really is the motto of the music video, which really reaches out there to all the audiences, and inshallah it will reach through this music video. And as Imran is going to you know promote this song in his hometown in Bhopal, which is a very good thing, I feel. So all the very best to all of y'all, and hope it reaches millions and millions of views, and that's my wishes to you all. Thank you so much. तो सबसे पहले मैं सभी मीडिया को हैप्पी डांस एडवांस बोलना चाहता हूँ. मैंने इसमें कास्टिंग भी किया था, इंडिपेंडेंस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में. पंद्रह अगस्त को आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं हूँ शहजाद खान और मैं इसमें कास्टिंग किया था और इसमें एक्टर भी था. और जुबैर भाई, हम लोग 3-4 सॉन्ग्स कर चुके हैं अभी तक. ये सबसे टिपिकल सॉन्ग हुआ, कभी टायर पंचर हो जा रहा था, कभी हम लोग आते समय ब्लास्ट हो गया टायर ही हमारे रास्ते में. एक्टर, दोनों एक्टर हमारे साथ थे, तो हमारी जो माँ का जो कैरेक्टर गए थे इनकी, तो वो भी फंस गए थे सब लोग. हम लोग मतलब सब पहले पहुँच गए सेट पे, बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे मीरा रोड में. तो इमरान भाई, मैं तो अच्छे से गए वहाँ पहुँचे. और ये हमारे इनाम भाई. थैंक यू शायद भाई. सो जैसा कि शायद भाई ने बोला, आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद. एंड गाना देखा मैंने और गाया भी बहुत अच्छा है जो सिंगर है, एंड आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. फर्स्ट टाइम सुना, मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि जब गाना स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा था, म्यूज़िक एंड ऑल, वीडियो एंड आपकी कास्टिंग एंड आप सब लोग. एंड खैर मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने तो इस गाने में कुछ नहीं किया है, बट फिर भी आपको बताना था कि मैंने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग किया है, साजिश है, अगर आपको पता है, सुम्बुल तौकीर एंड सुमित मुद्गलकर. सो वो भी अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है. सो शहजाद भाई का यही कहना था कि मैं साजिश के बारे में बताऊँ एंड इस गाने के बारे में बताऊँ. सो मेरा तो यही फीडबैक है कि बहुत अच्छा गाना है, एंड ये इस 15 अगस्त पर ट्रेंडिंग पर तो जाना चाहिए. ओके, बोलिए सर. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनु राजीव है एंड आई एम द म्यूजिक कंपोजर फॉर दिस सॉन्ग. एंड ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग बनाया है. और एक दिन अचानक जुबैर भाई ने फ़ोन किया, बोला कि इंडिपेंडेंस के गाने बनाना है. इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम, अगर वो नहीं बोलते तो शायद ये गाने बनते ही नहीं.
So and then I asked Karan ji to write the song. एक next few days में उन्होंने गाना बना के दिया. फिर हमने टू एंड फ्रो हुआ. देन ज़ुबैर भाई ने इसको वंडरफुली शूट किया. आई डेंट एक्सपेक्ट सच अ ग्रेट रिजल्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम. बट जो जो मैं सुन रहा था यहाँ पे जितनी हर्डल्स इन्होंने ये किया, दिस इज़ वंडरफुली डन. एंड आई होप सॉन्ग बिकम्स लाइक ही सेड ट्रेंडिंग हो जाएं. और एंड आई मैं उम्मीद करता हूँ और बहुत सारे गाने आप बनाते जाएं. एंड बाकी करण जी बताएंगे कैसे. जी नमस्कार, मेरा नाम करण मस्ताना है. और सबसे पहले तो मैं जो अपनी टीम है, जो हमारे जुबैर भाई की टीम है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. इसके लिए सबको शुक्रिया, धन्यवाद. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. और जैसा कि मैं इससे पहले मैं संदीप भैया और कॉलेज रोमांस के जस्ट गाने करने के बाद मैं फ्री हुआ ही था, तब तक मनु सर का कॉल आया कि भाई एक गाना करना है 15 अगस्त का, तो कुछ अच्छा सा सोचिए. तो एक्चुअली क्या होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए हमने बचपन से लेकर आज तक इस मिट्टी से जो हमारा जुड़ाव रहता है या फिर हम जो भी बने हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारा समाज और हमारे परिवार वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है. तो मुझे भी लगा यार कुछ अच्छा करना चाहिए. और इवन मैंने फिर उसी दिन जस्ट मनु जी को एक लिरिक्स भेजा, फिर सेकेंड डे एक और भेजा कि आप इसको देखिए. फिर उन्होंने उसको अच्छे से देख के अच्छे से कंपोज करके फिर ज़ुबैर भाई को भेजा गया. उनको बहुत अच्छा लगा टाइटल और फिर हमने इस गाने को बहुत अच्छे से फिर आगे बनाया, डब अप किया और फिर आज आपके सामने यह गाना सामने है. तो सबने बहुत अच्छा काम किया है और देखने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी इस गाने को प्यार दें, इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. जी सर, मेरा नाम अंकित है और ये मेरा ज़ुबैर सर के साथ में 6th कोलैबोरेशन है. और गाने के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ. हमारी जो क्रिएटिव डायरेक्टर है उन्होंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ये गाना है वो एक टीम वर्क है. बट इसको टीम वर्क कहना तो थोड़ा गलत होगा क्योंकि जिस तरह के कंडीशन में शूट हुआ था, अगर ज़ुबैर जी का विज़न उस चीज़ के पीछे नहीं होता तो शायद ये इतनी जल्दी तो एटलीस्ट रिलीज़ नहीं हो पाता. क्योंकि पिछले 15 दिनों में आपने देखा किस तरह की सिचुएशन थी और बिल्कुल ही अपोजिट सिचुएशन में ये गाना शूट हुआ है. और उन्होंने डायरेक्शन से लेके एडिट से लेके राइटिंग सारी चीज़ें खुद ही सुपरवाइज करी है. तो टीम वर्क से ज़्यादा कह सकते हैं कि ये पूरा उनका अकेले का एक एफर्ट है करके. बाकी लोग पूरा